Hello guys, welcome you to Kyra classes. This is my fourth video of chapter 7 control and coordination. In today's video we will study endocrine system in human beings, or we can say hormonal coordination in human beings. So let's start it. हार्मोन्स क्या होते हैं, किन को हार्मोन्स कहा जाता है? तो हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रेट करते हैं। दे आर सिक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट्स एंड मे एक्ट इन नियर बाय प्लेसेस और डिस्टेंट प्लेसेस। ये छोटे छोटे अमाउंट्स में सिक्रेट होते हैं, या यू कैन से कि ये पास वाली जगहों पे भी अपना एक्शन दिखा सकते हैं और दूर जगहों पे भी अपना एक्शन दिखा सकते हैं। डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन एंड आर डिस्ट्रॉयड इमीडिएटली। रिएक्शन में इनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं किसी भी रिएक्शन में और बहुत जल्दी ही खत्म हो जाते हैं। अब हम डिटेल में पढ़ लेते हैं हार्मोन्स इन एनिमल्स के बारे में। सो हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड ट्रांसमिटेड बाय द ब्लड टू द टिश्यूज ऑन व्हिच इट हैज अ स्पेसिफिक इफेक्ट। हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस कह सकते हो, केमिकल कंपाउंड्स कह सकते हो, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करता है और फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशन के बाद ये कहाँ जाता है? ये ब्लड में जाता है, ब्लड से टिश्यूज में पहुंचता है, जहां पे ये अपना एक स्पेसिफिक इफेक्ट दिखाता है। हार्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। बात की जाए ग्लैंड्स की, तो ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स सिंपल मैं कह सकती हूँ, अगर सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँ तो ग्लैंड्स वो है जहां पे कुछ सिक्रीट होता है, और वो सिक्रीशन किसका होता है? हार्मोनल सिक्रीशन होता है। ओके तो जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ सलाइवरी ग्लैंड, तो सलाइवरी ग्लैंड ग्लैंड है तो जरूर उसमें कोई हार्मोन सिक्रीट हो रहा होगा, तो वो हार्मोन क्या है? सलाइवरी एमाइलेज, जो मैंने आपको बताया था डाइजेशन जब मैंने आपको पढ़ाया था। ओके तो अब जो अगर मैं बात करूं ग्लैंड्स की, तो ग्लैंड्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। जैसे कि इस टेबल में मैंने आपको दिखा रखा है डिफरेंसेस बिटवीन द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो फर्स्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, अगर मैं बात करूं तो डक्ट्स एब्सेंट। डक्ट्स क्या होते हैं? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। तो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में आपको डक्ट्स या आपको ट्यूब्स जो है वो देखने को जरूर मिलेंगी। सेकेंड है सिक्रीट हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं? हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं? एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं। थर्ड सिक्रीटेड इन ब्लड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का क्या फंक्शन होता है? कि जो वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाता है, उन्हें किसी ट्यूब की या किसी डक्ट की जरूरत नहीं होती है, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है? इट्स सिक्रेटेड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। इन्हें एक ट्यूब या एक डक्ट या एक पैसेज चाहिए होता है, रास्ता, जिसके थ्रू वो एक यू नो स्पेसिफिक टिश्यूज तक पहुंच सके। तो इट्स सिक्रेटेड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। फोर्थ वन है सिचुएटेड अवे फ्रॉम द साइट ऑफ एक्शन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? वो जहां वो अपना काम दिखाते हैं, जो उनका साइट ऑफ एक्शन है वो उससे दूर होते हैं। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का क्या होता है? इट सिचुएटेड नियर द साइट ऑफ एक्शन। ये वही होते हैं, उनके पास होते हैं जहां पे उन्हें अपना एक्शन दिखाना है। तो वो सपोज किसी टिश्यू पे उन्हें अपना एक्शन दिखाना है, तो वो उस टिश्यू के पास ही आपको देखने को मिलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। आगे देखते हैं सम ग्लैंड्स विच एक्ट एज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। कुछ ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरीके से अपना काम करते हैं। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो फर्स्ट आपका ग्लैंड दे रखा है पैनक्रियाज। अब जो पैनक्रियाज है वो एंडोक्राइन फंक्शन भी शो करता है और एक्सोक्राइन फंक्शन भी अपना शो करता है। तो एंडोक्राइन फंक्शन पैनक्रियाज का क्या है?
प्रोड्यूसेस इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन हार्मोन. ओके, तो पेनक्रियाज आपका ग्लैंड है, इसका एंडोक्राइन फंक्शन क्या है कि ये इंसुलिन हार्मोन बनाता है, ग्लूकेगॉन हार्मोन बनाता है. ओके, और एक्सोक्राइन फंक्शन क्या है पेनक्रियास का, इट प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव एंजाइम जिसे कहते हैं पेनक्रेटिक एमाइलेज. मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करते हैं, एंजाइम्स. तो एंडोक्राइन फंक्शन में पेनक्रियास का क्या काम है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन को प्रोड्यूस करना, बनाना, जबकि इसका एक्सोक्राइन फंक्शन क्या है कि ये एक एंजाइम बनाता है, एक डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है जिसे हम कहते हैं पैनक्रिएटिक एमाइलेज. सेकेंड ग्लैंड जो है जो दोनों की तरह काम करता है, एंडोक्राइन फंक्शन भी देता है और एक्सोक्राइन फंक्शन भी देता है, वो है टेस्टिस. ओके, मेल्स में पाया जाता है टेस्टिस और इसका एंडोक्राइन फंक्शन क्या है, इट प्रोड्यूसेस हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. अब जो एंडोक्राइन फंक्शन है तो ऑब्वियसली हार्मोन बनाएगा, तो कौन सा हार्मोन बना रहा है, टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बना रहा है जो कि एक मेल हार्मोन है. और इसका जो एक्सोक्राइन फंक्शन है तो ये क्या करता है, प्रोड्यूस मेल गैमीट्स जिन्हें कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स. तो जहां पे एंडोक्राइन फंक्शन इसका एक हार्मोन बना के हो रहा है जिसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, वहीं पे इसका एक्सोक्राइन फंक्शन क्या है, ये मेल गैमीट्स बनाता है जिन्हें हम रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कह सकते हैं. ओके, देन थर्ड ग्लैंड है ओवरीज. ओवरीज फीमेल में मिलती हैं और इसका एंडोक्राइन फंक्शन क्या है, इट प्रोड्यूसेस हार्मोन एस्ट्रोजन. एंडोक्राइन फंक्शन क्या है इसका ओवरीज का, कि ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन. और इसका एक्सोक्राइन फंक्शन क्या है, इट प्रोड्यूसेस फीमेल गैमीट्स, ये फीमेल गैमीट्स को भी बनाता है जिसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स. तो जहां पे ये एक हार्मोन एस्ट्रोजन एंडोक्राइन फंक्शन में दिखा रहा है, वहीं पे ये एक्सोक्राइन फंक्शन में क्या बना रहा है, फीमेल गैमीट्स बना रहा है या रिप्रोडक्टिव सेल्स बना रहा है. नेक्स्ट, सम इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, द हार्मोन दे सिक्रीट एंड देयर फंक्शन. अब हम देखेंगे, अब आप देखोगे कि कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के यहाँ पे नाम बताए गए हैं. ओके, कौन सा हार्मोन उससे यू नो रिलेटेड है और यू नो जो हार्मोन वो सिक्रीट करते हैं बेसिकली वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनके नाम दिए गए हैं और उनका क्या फंक्शन होता है बॉडी पे, तो ये पूरी टेबल में बताया गया है. तो फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड है मतलब ये डक्टलेस ग्लैंड है, इनमें कोई डक्ट नहीं होगा, ये डायरेक्टली हार्मोन जो है वो सीधे ब्लड में सिक्रीट करेंगे, ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट करेंगे. अब हम उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं, सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि अपना हार्मोन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं. तो फर्स्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड. कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन. फंक्शन क्या है, बॉडी ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स, इफ एक्सेस जाइजेंटिज्म, इफ लेस ड्वार्फिज्म. तो एक पिट्यूटरी ग्लैंड फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है या सिक्रीट कर रहा है, तो वो है ग्रोथ हार्मोन, शॉर्ट फॉर्म में GH, ग्रोथ हार्मोन. ये क्या कर रहा है, सिक्रीट कर रहा है. और इसका क्या फंक्शन होता है इस हार्मोन का, कि ये बॉडी को ग्रोथ देता है, डेवलप करता है बोन्स को और मसल्स को. अगर ज्यादा सिक्रीट हो गया ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो मैं कह सकती हूँ बॉडी बहुत ज्यादा टॉल हो जाएगी, बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी. तो उस कंडीशन में मैं कहूंगी जाइजेंटिज्म. ओके, इफ एक्सेस, अगर ज्यादा आपको ये ग्रोथ हार्मोन अगर बॉडी में रिलीज हो रहा है, इसका क्या मतलब है, आदमी बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत ज्यादा टॉल हो जाएगा, तो उससे को मैं क्या कहूंगी, जाइजेंटिज्म कंडीशन. अगर बहुत कम मात्रा में ये बॉडी में सिक्रीट हो रहा है, तो क्या होगा, वो जो पर्सन है या जो वो इंसान है, वो अब क्या हो जाएगा, वो बहुत छोटा हो जाएगा. तो उसे मैं कहूंगी, उस कंडीशन को कहूंगी ड्वार्फिज्म. इसलिए हम कहते हैं कि नॉर्मल सिक्रीशन होना चाहिए, ना ज्यादा होना चाहिए हार्मोन का सिक्रीशन बॉडी में और ना ही कम होना चाहिए, एक नॉर्मल या एडिक्वेट अमाउंट में जो है हार्मोन का सिक्रीशन होना चाहिए. सेकेंड एंडोक्राइन ग्लैंड है आपका थायरॉइड ग्लैंड. अब थायरॉइड ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, वो करता है थायरोक्सिन.
और इसका फंक्शन क्या होता है थायरोक्सिन का, कि इट रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। आपने आ, आ, सुना होगा कि एक अगर थायराइड ग्लैंड, मतलब थायराइड ग्लैंड में अगर थायरोक्सिन जो हार्मोन है अगर वो उसकी कमी है या फिर, तो क्या होता है बेसिकली जो थायराइड ग्लैंड है वो आयोडीन के अमाउंट पे डिपेंड करता है। तो अगर किसी की बॉडी में आयोडीन कम है तो क्या हो जाता है, एक बीमारी हो जाती है जिसे हम गोइटर कहते हैं। अब गोइटर क्या होता है, आपने ज्यादातर देखा होगा लोगों को जिनकी जो गले हैं, थ्रोट वाला पोर्शन है गला, वो काफी फूल जाता है, ठीक है। तो वो इसी हार्मोन की कमी की वजह से होता है, जो हार्मोन है थायरोक्सिन, ओके। और बेसिकली ये जो थायरॉयड ग्लैंड और थायरोक्सिन, ये आयोडीन जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ज्यादा है कम है बॉडी में। तो ये जो गोइटर है वो इस थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से जो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है, और क्या हो जाता है, तब जाके आयोडीन की कमी वगैरह कुछ हो जाती है और जो गला है वो फूल जाता है, जिसे हम कहते हैं, उस डिजीज को कहते हैं गोइटर, ठीक है। तो एक और फंक्शन थायरोक्सिन हार्मोन का ये है कि ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट को मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है, मतलब मेटाबोलाइज वही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने में हेल्प करता है। थर्ड एंडोक्राइन ग्लैंड है पेनक्रियास। पेनक्रियास कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन हार्मोन, दो हार्मोन्स रिलीज करती है पेनक्रियास, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन। और इनका क्या फंक्शन होता है, ये ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। अगर मैं सिंपल सी बात करूं, इंसुलिन का कब काम आएगा, इंसुलिन जब काम करता है जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उसे नॉर्मल करने के लिए इंसुलिन हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है पेनक्रियास से, ओके। लेकिन अगर ब्लड शुगर लेवल कम है, कम हो गया, तो उस ब्लड शुगर लेवल को थोड़ा बढ़ाने के लिए, नॉर्मल लेवल तक लाने के लिए कौन सा हार्मोन काम करेगा, ग्लूकेगॉन। तो बेसिकली इन दोनों हार्मोन्स का जो काम है, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन का, वो यही काम है कि वो ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करें, ओके। इंसुलिन क्या करेगा, ज्यादा को कम करेगा, नॉर्मल लेवल पे लाएगा, जबकि ग्लूकेगॉन क्या करेगा, जो कम है उसे थोड़ा बढ़ा के नॉर्मल लेवल पे वो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करेगा या रेगुलेट करेगा। जो फोर्थ एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है टेस्टिस इन मेल्स। इनका हार्मोन जो है वो क्या है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस जो है वो क्या बनाता है, वो एक मेल हार्मोन बनाता है जिसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन का क्या फंक्शन होता है, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स लाइक डीप वॉइस, बियर्ड एटसेट्रा। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये क्या करता है, जो भी मेल कैरेक्टर्स, जो सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स हैं उनको डेवलप करता है, जैसे वॉइस बहुत डीप हो जाती है और मस्टैच और यू नो बियर्ड, दाढ़ी और मूछें, ये सब इन इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है इनके डेवलपमेंट में, तो वो हार्मोन है आपका टेस्टोस्टेरोन। देन नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो है ओवरीज इन फीमेल्स, ओके। और जो ये ओवरीज है फीमेल्स में, ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूसेस हार्मोन एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती है। और इनका क्या काम होता है, इस एस्ट्रोजन हार्मोन क्या फंक्शन है, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टर्स, ये सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टर्स को डेवलप करने में हेल्प करती है, लाइक मैमरी ग्लैंड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये मैमरी ग्लैंड्स को डेवलप करती है और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको मेंटेन करके रखती है, डेवलप करती है। जो 28 डेज की एक साइकिल होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको मेंटेन करके, डेवलप करके रखती है और प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखती है। तो बेसिकली ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो ये सारे फंक्शन जो है मेन, मतलब डेवलप करके रखता है, डेवलपमेंट देता है इन फंक्शंस को, और साथ में प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे आप डायग्राम दे सकते हो एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बीइंग्स, एक तरफ मेल है और दूसरी तरफ फीमेल का स्ट्रक्चर है। तो मेल के स्ट्रक्चर में आपको सब एक जैसा ही मिलेगा, पीनियल ग्लैंड, ओके, कहाँ पे पिट्यूटरी आपको दिख रहा है, ये सब आपका जो ब्रेन है, हाइपोथैलेमस, ये वही मिलेगा, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस दिख गया आपको, पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के नीचे है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। देन थायराइड ग्लैंड आपका कहाँ है, नेक में, थ्रोट वाले उसमें,
एरिया में, फिर पैराथायरॉयड उसके नीचे, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, ओके, देन नीचे आपको दिख रहा है थाइमस, ओके, देन नीचे आप तो आपको दिखेगा पेनक्रियास दिख रहा है आपको, ओके, और किडनीज दिख रही हैं, और ये किडनीज के ऊपर एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं जिन्हें हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स, ओके, एंड देन सबसे नीचे जो है वो मैंने दिखा रखा है यहाँ पे डायग्राम में, ये है टेस्टिस। तो ये आपका मेल का स्ट्रक्चर बन गया, फीमेल का भी बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है, या मैं कहूँ आपको जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अलग है। जैसे मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस आता है, वहीं पे फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको क्या मिलेगा, ओवरी। ओके, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स अलग हैं, बाकी सब कुछ एक जैसा है, सारे ग्लैंड्स, ओके, ये सब एक जैसे ही है, बट दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे अलग है। अब हम डायबिटीज के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो डायबिटीज का कॉज क्या है, किस वजह से होता है? इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन सिक्रेटेड बाय पेनक्रियास दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू लोअर कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल्स। तो डायबिटीज क्यों होता है? डायबिटीज इस वजह से होता है, किसकी कमी से होता है? इंसुलिन हार्मोन, पेनक्रियास जो आपका ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो क्या करता है, वो एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है इंसुलिन। और इंसुलिन जो हार्मोन है उसका क्या काम है, जैसे ही ब्लड शुगर लेवल ज्यादा हो गया, उसको कम करने में या उसको कंट्रोल करने में कौन सा हार्मोन काम करता है, इंसुलिन। और इंसुलिन को कौन सिक्रीट कर रहा है, कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड कर रहा है, वो है आपका पेनक्रियास। ट्रीटमेंट इसका देख लेते हैं डायबिटीज का। कॉमन डायबिटीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय मेडिसिन, बट इन सीवियर केसेस इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन हार्मोन आर गिवन टू द पेशेंट्स। अगर कॉमन डायबिटीज है तो उसे तो आप मेडिसिन वगैरह से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा बढ़ जाता है ब्लड शुगर लेवल, अगर केसेस केस काफी सीवियर है या ज्यादा थोड़ा रफ कंडीशन है, तब जाके क्या होता है, आर्टिफिशियली जो है इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, पेशेंट्स को इंसुलिन इंजेक्शंस दिए जाते हैं आर्टिफिशियली, जिससे वो अपने ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कर सके, कंट्रोल कर सके। ठीक है, इसका फीडबैक मैकेनिज्म देख लेते हैं हम। द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन्स हैज हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। मैंने अभी आपको ये बताया था कि हार्मोन्स जो है वो उनका एक प्रॉपर अमाउंट होना चाहिए, एक एडिक्वेट अमाउंट होना चाहिए। अगर ज्यादा हो रहा है हार्मोन बॉडी में तब भी गड़बड़ है, और अगर बहुत कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो भी गड़बड़ की बात है। तो इसका मतलब ये है, एक्सेस ज्यादा और अगर कमी है हार्मोन की, तो इसका मतलब ये है कि बॉडी पे एक हार्मफुल इफेक्ट जो है वो जनरेट हो जाता है। फीडबैक मैकेनिज्म मेक्स श्योर दैट हार्मोन्स आर सिक्रीटेड इन प्रिसाइज क्वांटिटीज एंड एट राइट टाइम। अब ये फीडबैक मैकेनिज्म जो है बॉडी का, ये क्या करता है, ये हार्मोन्स, ये श्योर मतलब श्योरिटी देता है कि जो हार्मोन्स हैं वो प्रिसाइज क्वांटिटीज में ही जो है वो सिक्रीट हो, कम मतलब जितना चाहिए बॉडी को उतना ही हार्मोन सिक्रीट हो, उतनी ही क्वांटिटी में वो सिक्रीट हो, और सही टाइम पे वो सिक्रीट हो। सो आज की वीडियो में हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये हमारा लास्ट टॉपिक था आपका, एंडोक्राइन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। सो आपको आई होप कि समझ में आया हो ये चैप्टर। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट क्वेरी कुछ भी हो, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।